हम नोएडा के सेक्टर 15 के चौराहे पे खड़े हुए। ये वो जगह है जहाँ पे हर समय इतनी भीड़ होती थी कि लोग पैदल क्रॉस करने में उनको सोचना पड़ता कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और इस वजह से लोगों को वो रेड लाइट का सहारा लेना पड़ता था कि अगर वो रेड लाइट हो उनकी तरफ से ग्रीन बत्ती जले तो फिर वो क्रॉस करे। लेकिन आज वही चौराहा है, यहाँ पर चारों तरफ से नज़र उठाकर देखेंगे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, एक दो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जिस तरह से कोरोना अपना पाँव पसार रहा है, आज की बात की जाए तो आज का ताज़ा जो अपडेट है 355 हो गया है, और वहीं पे मरने वाले की आज सिर्फ एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हुई है, जिससे कि अगर देखा जाए तो कोरोना जिस तरह से पाँव पसार रहा है उस तरह से तो लॉकडाउन ही हो सकता आने वाले दिनों में, यूपी का लॉकडाउन ही, यूपी और दिल्ली लॉकडाउन हो जाए। राजस्थान और पंजाब पहले से ही लॉकडाउन हो चुके हैं, तो इस तरह से अगर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो और 21 मार्च तक सारे मेट्रो बंद हैं, सारी बस सेवाएं बंद हैं, और सारे सरकारी दफ्तर बंद हैं, और आपके जो मॉल बंद हैं। तो इस वजह से अगर हमारी सेफ्टी की बात जाए तो हमें और हमारे जो आज मोदी जी ने कहा था कि पब्लिक कर्फ्यू, तो पब्लिक ने भी उतना साथ दिया है, जो कि कोई रोड पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह से पब्लिक साथ देगी तो आने वाले दिनों में कोरोना का जो कहर है वो कम हो जाएगा। लाइव 24 से राजेंद्र चौधरी, नोएडा।